तो अभी क्या सीन हुआ था, मतलब मेरा वो जो चोली में लहंगे वाली देख के आई थी ना शॉप पे, वो कल आ नहीं पाई थी मेरी, बिकॉज एक तो वो मेरे ख्याल से सेट ही नहीं हुई थी, या सेट भी अगर हो भी गई होगी तो मेरे को बहुत लेट 8 बजे याद आया, उससे पहले 3 बार याद आया था, बट फिर मैं मेहंदी वगैरह लगवा रहे थे, तो अभी मैं पापा और शिमा तेरी चोली लेने जा रहे हैं, वही हम बारिश हो रही सुबह सुबह, और शिमा सो चुके हैं। शिमा से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। सो आस्था को मिल चुका है इसका वो, अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, फिर ये लोग निकलेंगे। तो भैया और मम्मा और कार में बैठ के चले गए, हम लोग पैदल जा रहे हैं बुद्धू से हम भी। अरे वो कार में स्पेस तो था, बच हम गए ने। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते आचे जी। नमस्ते। देखे देखे से लग रहे हैं। तो ये लोग इस बस में निकलने वाले हैं सब, ये सब के सब बहुत सारे लोग हैं, और 2-3 कार्स भी जा रही है, जैसे दूल्हा हो गया, मेन मेन लोग हो गए जो उन लोग के हैं। अरे यार बता यार, क्या कैसी बातें कर रहे हैं। और ब्रो आर यू एक्साइटेड? यस। ले अपनी अमानत, मेरा फोन लेके जा रही है। बाय बाय बेबी, मिस यू। सच्ची सी है ये तारीफ है दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी। तो अभी जस्ट फर्स्ट ब्रेक लिया है सारे के सारे, मतलब यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, और सीन बन गया आदित्य भैया और भाभी का, जो एक बैग था जिसमें सारा उनका कपड़े वगैरह थे वो सारे के सारे घर पे रह गए। तो अमन भैया और अक्षत दोनों के दोनों उतर के बीच रास्ते में ही, एंड अब पता नहीं वो कैसे बैग लेके आएंगे, मुझे कुछ नहीं आता पता। तो वाओ दैट्स नाइस ना। बाकी अभी तक ठीक ठाक जा रहा है, थोड़ा बोरिंग सा जा रहा है बिकॉज ना तो बस का स्पीकर वगैरह चल रहा है और ना हमारे पास कोई स्पीकर है, तो सॉन्ग्स वगैरह चल नहीं रहे। सो तो अभी सेकंड ब्रेक लिए यहाँ पे, थोड़ा लंच करेंगे एंड देखते हैं उसके बाद कब तक पहुँचते हैं, और बाकी सब भैया और यहीं पे खड़े हैं पहले से ही। तो अभी यहाँ पे सब के सब लंच कर रहे हैं। तो अभी सबके सब बोल रहे, सबने खाना खा लिया, अब सब चाय पी रहे हैं। खाना खा लिया? खा लिया जी। क्या खाना? खा लिया। ये तो क्या हो रहा है, आपने खा लिया? चीयर्स। पी पी
पी नहीं होती है, एक सिप चीयर्स के बाद पियो। फाइनली चल चुका है, कैसे चलाई लिया, इतनी देर से कोशिश कर रहे थे, मतलब जब से बैठे थे अब जाके चला है और ऑलमोस्ट जब भाभी तो सोई गए। ज़्यादा ही बोर हो रहे थे तो कुछ ना कुछ हम ट्राई कर ही रहे हैं। स्ट्रीक चल रही है इधर। फाइनली पहुंच गए। कितने घंटों के बाद पापा? ओह माय गॉड, 9 घंटों के बाद फाइनली। अब हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम सीधा वेडिंग लोकेशन पे आ गए। और हमने एंट्री ना इन्हीं कपड़ों में करी और आते थोड़ा बहुत खाना खाया और हम चेंज कर रहे हैं जल्दी जल्दी, और नीचे वेडिंग चल रही है और यहाँ हमें रूम्स मिले हुए हैं तो जल्दी जल्दी चेंज करके आप सबको मिलती हूँ। ओके सो फाइनली आई एम रेडी, fire, 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 fire,
Yeah.
और साठ हक भी है दोनों ही अपने हमारे पास आपसे ज्यादा टाइम है, हम भी हम यही है, आप देखिए हम यही पे बैठे हैं। तो अभी हम लोग सब खाना खा रहे हैं, इधर मम्मा पापा, उधर भैया भाभी और भैया, इधर चाची जी, उधर अक्षत एंड साक्षी दीदी, सब यहीं खा रहे हैं। मतलब इसके बाद देखते हैं डांस करेंगे और फेरों का टाइम भी 2 बजे का है, जो भाभी के घर पहुँचेंगे तो देखते हैं क्या सीन बनता है।
सबने चेंज कर लिया है एंड अब हम जाएंगे भाभी के घर, बिकॉज जो फेरे वगैरह होने वो घर पे हो रहे हैं और मैं अभी दूध पे रही हूँ। और इससे पहले अभी भैया भाभी की एक परफॉर्मेंस हुई थी, लास्ट वही परफॉर्मेंस थी, दैन उसके बाद हाँ बस बता तो दिया जा रहे हैं। एंड ठंड इतनी कुछ खास नहीं है बट फिर भी ठीक ठाक है, मतलब सब कुछ। हेलो गाइस, सो द टाइम इज 8:20। हम लोग रात को फेरों पे गए नहीं, हम लोग चेंज वगैरह करके सो गए बिकॉज बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। और क्या नाम है, 3 बजे सोए थे एंड सुबह 7 बजे 7:30 बजे उठे और अभी हम शायद वापस जा रहे हैं और टाइम हो चुका है 8:20। हाँ 8:20 बताया ना, तो या तो अभी हम लोग इतना बड़ा पैलेस होते हुए भी बाहर चाय पीने जा रहे हैं ठेले पे, क्योंकि यहाँ कॉफ़ी मिल रही है, बड़े लोग आए हैं। तो अभी अब मैं भटकी, तो अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं क्योंकि अंदर ना होटल पे कॉफ़ी मिल रही है और हम लोगों ने चाय पीनी है क्योंकि हमें चाय की तलब कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो यार सामने ठेला है, सामने ठेला है तो वहाँ पर हम चाय पी रहे हैं। ये हमारा ठेला और सामने तो फाइनली द ब्रेकफास्ट इज ओवर और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मेरा गला ही नहीं ठीक हो रहा, और ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे तो मैंने पेट भर के खा लिया, पानी कुछ ज्यादा ही पी लिया। तो या लेट्स गो, बाकी मज़ा आया शादी में, मतलब ठीक था सब, बस ट्रैवलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है बस, ऑल गुड। और ताई जी कैसा लग रहा है फिर शादी होगी अब? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, तू सुना। हाँ, तू मेरे वीडियो बनाई है बैग में कहाँ है मेरा बैग? ब्लैक वाली शाल है तेरे बैग में। कैसी रही शादी? अच्छी, लेकिन नींद आ रही है अभी। कैसी रही शादी? बहुत अच्छी रही, मजा आ गया। माधव कैसी रही शादी? सबसे अपना चैनल सब्सक्राइब करवा ले। कैसी रही शादी? कैसी रही? कैसी रही शादी फिर? तो 12 बज चुके हैं और यहाँ पे अभी पता नहीं क्या हो गया, बस रुक गया और 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ, तो पता नहीं 1-2 घंटा शायद यहाँ खड़े रह गए। और सुबह से सो गए हैं, जब से बस में बैठे हैं कुछ करी नहीं रहा कोई। तो अभी सब ने लंच करा है यहाँ, बस लंच करके फ्री हुए हैं और अब सब चल रहे हैं वापस, बिकॉज हमने जल्दी पहुँचना है 7 बजे तक, किसी को ट्रेन पकड़नी है तो इसलिए। तो फाइनली वी आर होम। पापा को लेके आती हूँ।
गाइस हम लोग मतलब हम लोग नहीं मतलब ये लोग घर पे आ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ दवाई की दूरी लेने जा रहे हैं। सबको बुखार हो गया है तो खराब हुई है, बुखार नहीं हुआ, तबीयत खराब हुई है हम लोग की। और मैं हेयर कट करवाने गए था आज क्योंकि मेरे बाल बड़े हो गए थे ना इसलिए। अब तो छोटे ही हैं जैसे कटवा के आया था। साइडों वाली साइड टाइम इज 10:30। वहाँ से मतलब रुचि दीदी और के घर गई थी मैं, वहाँ पे 2% बैटरी रह गई थी। उसके बाद वहाँ से आके मैं कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बहुत खाया पिया एंड उसके बाद अभी हम सोने आ गए हैं। और मैंने लाइनर भी नहीं उतारा, मेरा मन ही नहीं कर रहा फेस वॉश करने का इतनी ठंड में। तो अभी तो कुछ नहीं, अभी हम जस्ट सो रहे हैं एंड शादी अच्छी रही एंड मिलते हैं आपको जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।